मैच फिक्सिंग, कॉन्ट्रोवर्शियल ट्रांसफर्स एंड डॉजी अकाउंटिंग, ये तीनों चीज एक ही क्लब से लिंक्ड है, उसका नाम है यूवेंटस। यूवेंटस इज अ क्लब व्हिच हैज नॉट बीन विदाउट कॉन्ट्रोवर्सी ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। मैच फिक्सिंग आपको लोगों को पता ही है, सीरिया के दो टाइटल यूवेंटस के निकाल लिए गए थे, स्क्रैप कर दिए थे बिकॉज ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन द मैच फिक्सिंग स्कैंडल, जिससे वो रेलीगेट भी हो गए थे एंड नाउ दे आर पोटेंशियली फेसिंग अनदर पॉइंट्स डिडक्शन या रेलीगेशन, दोनों हो सकता है बिकॉज ऑफ देयर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। कुछ कुछ ट्रांसफर्स ऐसे हैं यूवेंटस के पिछले कुछ सालों में जिनका उन्होंने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया है, जिनके उन्होंने ओवर द टॉप वैल्यू दिखाई है। तो इस वीडियो में विल बी एक्सप्लेनिंग ये पूरी सीरिया की जो कंट्रोवर्सी चल रही है। आप लोगों ने न्यूज तो देखी होगी कि रोनाल्डो का ट्रांसफर इज ऑल्सो अंडर द स्कैनर विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो तीनों चीजों को कवर करेंगे एंड विल गिव यू सम क्लैरिटी कि एक्चुअली चल क्या रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहेंगे वहां कंट्रोवर्सी तो होगी। वैसे रोनाल्डो इज नॉट इन्वॉल्व, जुवेंटस इन्वॉल्व, रोनाल्डो का ट्रांसफर भले इन्वॉल्व हो। वैसे जुवेंटस खाली एक क्लब नहीं है, ऐसे बहुत सारे इटली में काफी और क्लब हैं जो इस ट्रांसफर में कह सकते हो इन्वॉल्व है। सबसे बड़ा एक अनदर बिग क्लब ऑफ इटली इज नैपली। नैपली का सबको याद है ओसिमेन लील से नैपली गया था फॉर मनी अराउंड 71 मिलियन, और उसके बाद न्यूज आ रही थी कि भाई इनको किसी ना किसी को बेचना पड़ेगा, इनको कूलीबाली को बेचना पड़ेगा या इनको या फिर अपने किसी और स्टार को लाइक फैबियन रुइस और समवन एल्स किसी एक को बेचना पड़ेगा टू बैलेंस देयर बुक। लेकिन उसके बाद ओसिमेन 71 में आ जाता है, दिस सेल नो वन। मुझे भी समझ नहीं आता कि नैपली के पास इतने पैसे आए कहाँ से भाई। अब जो डील जो अंदर की न्यूज निकल के आती है उसमें यह है कि भाई नैपली ने ओसिमेन के बदले 4 प्लेयर दिए थे और उन 4 प्लेयर की वैल्यू थी 20 मिलियन। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, 20 मिलियन 4 प्लेयर की वैल्यू हो सकती है 5-6 मिलियन प्लेयर। तो मैं आपको प्लेयर के नाम बता देता हूँ, मैं कहता हूँ सारे प्लेयर नॉट इवन वर्थ 1 मिलियन। सबसे पहले है ऑर्टेजिस कार्नेजिस, गोलकीपर है भाई ये, अब ये 36 साल का है भाई, एक्स ग्रीस इंटरनेशनल, और उसने खाली एक अपीयरेंस किया लील के लिए, वो भी किसी कप मैच में था अगेंस्ट 4 डिवीजन साइड इन फ्रांस। उसके बाद के जो प्लेयर है मैं तुम्हें देख के बताना पड़ेंगे क्योंकि मैं इनके नाम भी नहीं सुने कभी। उसके बाद जो प्लेयर है वो क्लॉडियो मैंजी, चीरो पाल्मेरी एंड लुइगी लिगोरी, पता नहीं भाई अगर मैंने नाम प्रोनाउंसिएशन की माफी हक कर दी हो तो हाथ जोड़ के माफी, कोई इटालियन अगर इसको देख रहा है तो। ये 3 प्लेयर थे भाई जो उस 20 मिलियन के ट्रांसफर में थे, और डेफिनेटली आप अगर इन चारों के ट्रांसफर वैल्यू जोड़ो ना तो इट्स नोवेयर नियर अराउंड 20 मिलियन। और अभी खाली कार्नेजिस है जो अभी लील में बचा है, बाकी ये 3 प्लेयर जो गए थे डिड नॉट मेक अ सिंगल अपीयरेंस। अभी ये तीनों प्लेयर वापस इटली में आ चुके हैं सेकंड डिवीजन साइड के लिए खेल रहे हैं फॉर टूरिस्ट नोसरीना एंड फ्रेटेस। तो भाई ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्लेयर्स की वैल्यू बढ़ाई जा रही है फॉर बैलेंसिंग ऑफ देयर बुक्स, क्योंकि आपको पता है लील की स्थिति खराब है फाइनेंशियली एंड ऑब्वियसली नैपली की इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी कि वो ओसिमेन को 71 मिलियन में साइन कर पाए। तो बहुत सारे क्लब इन्वॉल्व हैं इसमें, देखते हैं कि क्या होगा। जुवेंटस में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है और नैपली के ओनर ने बोला है ऑरियलो डी लॉरेंटेस ने कि भाई मेरे को कोई टेंशन नहीं इस प्रूफ से, मेरा पत्ता सारा साफ है। नैपली इज द बिग क्लब इन्वॉल्व, बट जो सबसे बड़ा क्लब है इंट्रो में भी हमने कहा यूवेंटस। तो टोटल में 62 ट्रांसफर्स है जो अंडर द स्कैनर है। कोविसॉक जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है फुटबॉल को लेकर इटली में, उन्होंने टोटल 62 ट्रांसफर्स हैं जिनको स्कैनर में रखा, उसमें से 42 आर फ्रॉम यूवेंटस एंड इन 42 में से 36 ऐसे ट्रांसफर्स हैं जिनके आपके नाम ही नहीं सुनोगे कभी। ऐसे ट्रांसफर्स जो यूथ प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं अंडर 23 साइड्स। तो अंडर 23 प्लेयर्स सोच रहे होंगे यार यूवेंटस तो नॉर्मली अंडर 23 प्लेयर्स इतने खिलाते नहीं है, कितने प्लेयर्स उन्होंने अंडर 23 अपने बेच दिया, चाहे मॉइसे कीन हो, क्रिस्टियन रोमेरो हो, इतनी जल्दी उन्हें शिफ्ट कर दिया था। बट अंडर 23 का एक जो ऑरिजिन है इस पूरे आप कह सकते हो सागर का, दैट इज फ्रॉम द 2018 वर्ल्ड कप ऑनवर्ड्स। तो 2018 में क्या हुआ था भाई कि 2018 वर्ल्ड कप के बाद इटालियन फुटबॉल में एक प्रपोजल दी थी कि आप जो आपकी रिजर्व साइड्स हैं अंडर 23 साइड्स हैं, जैसे इंडिया में भी हमारी आईएसएल की लीग की बात चल रही थी, आईएसएल रिजर्व लीग जो शुरू होगी जनवरी से, सेम गोज विद सीरिया। तो एक रिजर्व साइड्स को आप थर्ड डिवीजन में लाने का एक वो दिया था उन्होंने ऑफर कि आप अपनी रिजर्व साइड को इंस्टेड ऑफ प्लेइंग इन अ सेपरेट लीग जिसमें उनको एक्सपीरियंस इतना नहीं मिलेगा, ऐसे स्पेन में होता है जैसे आपकी कैस्टिया खेलती है और बार्सिलोना बी खेलते हैं, दे एक्चुअली प्ले प्रॉपर प्रोफेशनल फुटबॉल नॉट इन सेपरेट लीग। सेम प्रपोजल दी थी एंड खाली यूवेंटस एक ऐसा क्लब था जिसने उस प्रोपोजल पे एक्ट करके एक अपनी रिजर्व साइड बनाई जो सीरी सी में खेल रही थी, सीरी सी में खेल रही थी एंड दे हैड अ लॉट ऑफ ट्रांसफर्स जिसमें बार्सिलोना बी से काफी प्लेयर्स ऐसे उठाए थे उन्होंने। नाम प्लेयर्स का हम नहीं बता रहे क्योंकि हम नहीं जानते ना उनकी फोटो हमारे को मिलेगी, इसलिए आपको बस बता रहे कि दिस इज कंफर्म न्यूज। तो बार्सिलोना बी से काफी ऐसे प्लेयर्स थे जो एक्सचेंज करे गए थे लाइक फॉर लाइक ट्रांसफर से, डिडंट इन्वॉल्व एनी मनी, बट उनकी फिर वैल्यू की बात आ गई थी क्योंकि वैल्यू क्यों कंसिडर हो रही है यार, अगर कोई बार्सा बी का प्लेयर है उसकी कितनी वैल्यू होगी, चाहे कितना भी शाइनिंग टैलेंट हो, कितना भी बड़ा प्लेयर हो, दे कैन नॉट हैव अ वेरी सब्सटेंशियल वैल्यू। 5 मिलियन इज ऑल्सो अ वेरी हाई प्राइस, बट 8-8 मिलियन के 10-10 मिलियन के ऐसे एक्सचेंजेस हुए थे
फॉर द अंडर 23 साइड जो प्लेयर्स आज तक यूवेंटस के लिए लेट अलोन बी ए पार्ट ऑफ द स्क्वाड, स्क्वाड का पार्ट भी नहीं बन सके, खेलना तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। ऑल इन ऑल जो फिगर है जिसमें आप कह सकते हो 2018 से 2021 के बीच में जो फिगर है विच इज अंडर क्वेश्चन इज अराउंड 282 मिलियन। तो इस 282 मिलियन का मैं आपको शॉर्ट ब्रेकअप बता देता हूँ क्या है। लाइफ फॉर लाइफ ट्रांसफर्स है, जैसे जैसे आपके यानिस हुआ था, आर्थर हुआ था, उस समय भी बहुत लोग, दिस वॉज ऑलरेडी इन द न्यूज, अभी जो मोलिना की लीक्स आई थी, अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखना, उस लीक्स में भी ये मेंशन किया गया था कि जो यानिस और आर्थर का स्वॉप था दैट वॉज कम्प्लीटली इल्लीगल, इट वॉज ओनली डन टू बैलेंस द बुक्स, और उसमें पैसा एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं था जितनी कोटेड फिगर्स थी। एंड उसमें और ऐसे भी ट्रांसफर है, डेनिलियो और जो कैंसेलो का भी ट्रांसफर था, आपको पता ही है, आप मतलब राइट माइंड में अब आप सोचो डेनिलियो की कहाँ पे खेल रहा है और जो कैंसेलो कैसा खेल रहा है, पोल्स अपार्ट एंड बिल्कुल ही सेंसलेस ट्रांसफर था, बट क्यों किया गया, नाउ यूर गाइज आर सीइंग द क्लैरिटी। दूसरे ट्रांसफर थे यूथ प्लेयर्स के, जो मैंने आप लोगों को बताया बार्सिलोना बी से काफी प्लेयर्स है जो अंडर द स्कैनर है। एंड तीसरे ट्रांसफर थे इज ओनली वन ट्रांसफर दैट इज निकोलो रवेला, जेनोआ में वो प्लेयर खेल रहा है और जनवरी इस साल में उसको 18 मिलियन के लिए साइन किया था यूवेंटस ने। वेरी स्ट्रेंज साइनिंग कंसिडरिंग उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था जून में, उसका 6 महीने बचे थे, तो 18 मिलियन फॉर अ रिलेटिवली अननोन प्लेयर आपने कभी देखा ही नहीं होगा, मतलब रोनाल्डो के ट्रांसफर फी उससे भी कम थी, तो आप सोच सकते हो कि कितना शेडी ट्रांसफर है। प्लस जो उसका ट्रांसफर फी दी गई, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला, तो उसने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, फिर उस नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उसे तुरंत बेच दिया गया, तो आप देख सकते हो कि देर इज नथिंग रैशनल इन दिस मूव। और उस प्लेयर के बदले पैसे भी नहीं दिए गए, एक 10 मिलियन का प्लेयर उन्होंने दिया पोर्टा नोरा, और एक प्लेयर दिया उन्होंने पेट्रेली, यूवेंटस से दो प्लेयर गए फॉर 10 मिलियन एंड 8 मिलियन रिस्पेक्टिवली फॉर दैट वैल्यू। रोवेला हैजंट मेड एन अपीयरेंस फॉर यूवेंटस एंड ऑलरेडी एट अ टाइम जब यूवेंटस के ट्रांसफर्स इतने डॉजी चल रहे हैं, उनके इतने ट्रांसफर्स आर नॉट कमिंग ऑफ एज वेल, तो डजंट मेक सेंस एट ऑल। एंड जो 282 मिलियन अगर इफ इट्स फाउंड आउट कि ये इलीगली अकाउंटेड फॉर है, इसका जो इन्फ्लेटेड वैल्यू है, तो जो ये पॉइंट डिडक्शन की बात है, जो गेटिंग डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम यूरोपियन कॉम्पिटिशन की बात है, एक्चुअली में सच हो सकती है। ऐसे एक दिमाग में बात आती है भाई, इसमें कौन कौन घसीटा गया है, तो काफी बड़े बड़े नाम है भाई इसके बीच में, हमारे चेयरमैन साहब एग्नेली भैया हैं, एंड्रे एग्नेली, वाइस प्रेसिडेंट पॉल लेडवेड है फॉर्मर लेजेंड, और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जुवेंटस हुआ स्टेफेनो कैराटो है, ये सारों को फॉल्स अकाउंटिंग के लिए इन्वेस्टिगेशन में रखा गया है। और अभी जो उस समय जुवेंटस के वो चीफ ऑफ फुटबॉल था फैबियो पेराटिची भाई, अभी जो टॉटनहम ज्वाइन कर लिया, ही इज ऑल अंडर द स्कैनर। तो भाई अपडेटेड रखेंगे आपको इस न्यूज में, हम देखते हैं क्या बात निकल के आती है। मोलिना वाली बात मुझे बहुत सही लगी भाई आज, कि उसने जब हमने वीडियो में कहा था कि दिस इज ओनली 10% ऑफ द फुटबॉल आई एम टेलिंग यू, द मोर यू नो इट द मोर यू हेट इट वाली बात जो भाई एकदम सही होती हुई आज। वैसे आज क्या लगता है, रोनाल्डो का ट्रांसफर, कुड रोनाल्डो ट्रांसफर भी आ सकता है स्कैनर में, एंड कुड रोनाल्डो ट्रांसफर भी कैंसिल, वैसे बहुत ही वैसे मजाक कर रहा था, ऐसे होने नहीं वाला है, रोनाल्डो नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन जुवेंटस में डेफिनेटली कुछ उस ट्रांसफर में भी कुछ शेडी किया है। हाँ, उस ट्रांसफर का सबसे ज्यादा न्यूज में है यही है, एंड द बिगेस्ट रीजन फॉर अस मेकिंग दिस वीडियो इज आल्सो द फैक्ट दैट रोनाल्डो का भी इसमें कुछ कहीं ना कहीं नाम इन्वॉल्व्ड है। क्यों इन्वॉल्व्ड है कि यार, जो रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट था यूवेंटस के साथ, उसमें अपेरेंटली कुछ सीक्रेट अग्रीमेंट था जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, पर ये जो वहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने वायर टैप करा था यूवेंटस की कुछ कॉल्स को, और उसमें कहीं कॉन्वर्सेशन थी ऐसी, बहुत ही छोटी कॉन्वर्सेशन थी कि रोनाल्डो का एक सीक्रेट अग्रीमेंट है जिसकी वजह से उसकी कुछ वैल्यू इंक्रीज हुई है, एंड जो यूनाइटेड वो गया है दैट इज नॉट एक्चुअली इज इन एक्चुअल वैल्यू इन दिस एक्चुअल वैल्यू, और जो क्लॉजेस अराइव्ड एट है दैट वैल्यू इज नॉट रियलिस्टिक, दैट वैल्यू इज नॉट ट्रू। तो रोनाल्डो इसमें कुछ इम्प्लीकेट नहीं होगा, तो जितने भी हमारे रोनाल्डो फैंस है, यूनाइटेड फैंस है, रोनाल्डो इज नॉट गोइंग टू बी ड्रैग्ड इनटू दिस कंट्रोवर्सी, अगर कुछ गलत निकलता है तो सैडली ऐसा नहीं होगा। आपने ट्रिगरिंग एक पॉइंट दे दिया उत्कर्ष ने दोबारा, तो गाली पड़ने वाली है कमेंट सेक्शन में, बट हाँ, रोनाल्डो को कुछ नहीं होगा, इट्स ओनली यूवेंटस हु इज गोइंग टू बी पनिश्ड अगर कुछ ऐसा फाइंड आउट करा जाता है, बिकॉज़ यूवेंटस की तरफ से ही वो एक क्लॉज था, नॉट फ्रॉम रोनाल्डो से। तो देखते हैं क्या होता है, होपफुली फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस गेम अच्छे से कुछ क्लैरिटी मिले इसको, वी डोंट सी इट शट इट शट डाउन, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बड़े क्लब्स अपनी पावर लगा के चीजों को खत्म कर देते हैं। होपफुली यू गाइज लाइक दिस वीडियो, अगर आपको कुछ और क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस होल कॉन्ट्रोवर्सी, क्योंकि इतना ज्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो हम आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बता देंगे, एंड इवन ऑन इंस्टाग्राम डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस, हम कुछ भी अपडेट्स होंगे रिगार्डिंग दिस विल बी पोस्टिंग इट ऑन इंस्टाग्राम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हमारे 4,250 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो रोड टू 4,500 पहले करते हैं, फिर 5,000 पे जाएंगे धीरे धीरे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वी विल कैच यू इन द नेक्स्ट। बाय।